वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 7 अप्रैल 2023, और 7 अप्रैल 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज हम पढ़ेंगे, भारतवंशी कलाकार को लंदन में ओलिवियर सम्मान मिल चुका है, और भारत देश है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शोर निर्माता देश बन जाएगा, और फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष बन चुकी है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि डेली आपको मॉर्निंग में 6 बजे मेरी लाइव क्लास आपको मिलती है, जो SSC CGL बैंक, UPSC, दिल्ली पुलिस, EOR एग्जाम, राजस्थान पुलिस, सूचना सहायक, CET और आर एग्जाम के लिए। ये आपके लिए डेली आपको जो 15 मिनट की क्लास मिलती है, ये आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे डेली आपको मॉर्निंग में क्लास मिलती है, फिर आपको संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है, फिर पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरी आपको पूरे मंथ की क्लास मिलती है। जैसे अभी मैंने जो अब 3 मंथ की मैंने आपको क्लास दी है, जनवरी, फरवरी और मार्च की, वो भी आप क्लास निश्चित तौर से देखें, क्योंकि शानदार तरीके से आपको यहाँ पे क्लासे लगातार मिल रही है। क्योंकि हमारी लगातार आपने 2-3 एग्जामों के अंदर देख लिया होगा किस तरह से हमारी एग्जाम क्लास से हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। हाल ही में मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है ग्रेगोरिया मरिस्का तुंजुग ने जीता है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने CBI का हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन कहां पर किया? ये किया है नई दिल्ली में। और किस देश ने चौथा एशियाई खो खो खिताब जीता? ये जीता है अपने देश भारत ने। किस देश ने जासूसी सैटेलाइट OPEC-13 लॉन्च किया? ये किया है इजराइल ने। और अंजलि शर्मा ने किस देश में स्थित माउंट किलिमंजारो को फतह किया? ये किया है कहां पर? ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर। और किस IIT के द्वारा UR20 परामर्श की मेजबानी की जाएगी? तो ये करेगा IIT कानपुर। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इसकी शाम तक आपको PDF भी टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो सबसे पहले हम सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए पहला प्रश्न, किस भारतवंशी कलाकार को लंदन में ओलिवियर सम्मान मिला है? किस भारतवंशी कलाकार को लंदन में ओलिवियर सम्मान मिला, और उनका नाम है अंजना वासन। ऑप्शन नंबर एक, क्या नाम है? अंजना वासन। ये भारतवंशी कलाकार है, इनको लंदन के अंदर ओलिवियर सम्मान मिल चुका है। देखो, चेन्नई में जन्मी सिंगापुर की अभिनेत्री है, ये चेन्नई के अंदर इनका जन्म हुआ है, और ये सिंगापुर की अभिनेत्री है जिनका नाम है अंजना वासन ने ओलिवियर अवार्ड्स के 47वें संस्करण में एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, और यह पुरस्कार उन्हें लंदन में दिया गया था। ठीक है, पुरस्कार उनको लंदन में दिया गया। वासन को टेनेसी विलियम्स के नाटक ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर के पुनर्द्वार में स्टेला क्वाल्सकी के रूप में उनकी भूमिका के लिए 2 अप्रैल को विजेता नामित इनको किया गया था, यानी कि 2 अप्रैल को उनको विजेता घोषित किया गया, और अब इनको ये अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिल चुका है। किसको? अंजना वासन को ये पुरस्कार मिल चुका है। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शोर निर्माता बन जाएगा? यानी कि भारत जो है कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता यानी कि सौर ऊर्जा से निर्मित देश बन जाएगा, और वो बनेगा 2026 तक। कब तक बनेगा? 2026 तक। देखो, भारत 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे बड़ा सौर उत्पादक बन जाएगा। ठीक है, भारत 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक बन जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे, जिनमें सौर ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित अब की बार दिया गया है। तो भारत के अंदर क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे, और सौर ऊर्जा की तरफ लगातार यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। भारत की सोलर उत्पादन क्षमता को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 2030 तक 10 GW से 50 GW तक बढ़ाया जाएगा। कब तक? 2030 तक है, और 2026 तक जब आने वाली है तब तक भारत दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक बन जाएगा। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2022-23 में GI टैग सूची में कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है? वित्त वर्ष 2022-23 के अंदर GI टैग सूची के अंदर कौन सा राज्य सबसे शीर्ष पर है, और वो है केरल राज्य। कौन सा राज्य है?
केरल राज्य सबसे टॉप पर है। देखो जीआईए रजिस्ट्री द्वारा साझा की गई डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में केरल ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक भौगोलिक संकेत जीआई टैग हासिल कर दिए, यानी कि सबसे ज्यादा केरल के अंदर जितने भी पदार्थ है, जितने भी वस्तु चीज है, उनमें केरल में सबसे ज्यादा क्या है, भौगोलिक संकेत जीआई टैग उनको मिले हैं, इसलिए सबसे ज्यादा केरल में है वो, और उनको केरल में सबसे इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है वित्त वर्ष 2022-23 के अंदर। अगला प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है, किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला, ये मिला है यूक्रेन के राष्ट्रपति को, इसको मिला है यूक्रेन के राष्ट्रपति को पोलैंड का सबसे जो शीर्ष यानी कि सबसे ऊंचा सम्मान ये पुरस्कार है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति को मिला है। देखो पोलैंड के सबसे ऊंचे सम्मान सफेद ईगल ऑर्डर इनका नाम है, ये सबसे ऊंचा सम्मान है सफेद ईगल ऑर्डर को पोलैंड के राष्ट्रपति अंद्रेज डुडा ने वर्सो में राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को उपहार के रूप में प्रदान किया है। तो ये पोलैंड के राष्ट्रपति हैं अंद्रेज डुडा ने, उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को ये पुरस्कार प्रदान किया, और दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रपति भवन में कहां पर, नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात के दौरान यह सम्मान समर्पित किया गया है। तो इनको ये सम्मान दिया गया है, किसको, यूक्रेन के राष्ट्रपति को, पोलैंड का सबसे जो ऊंचा या उच्च सम्मान है वो इनको दिया गया है। अगला प्रश्न, 2023 फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी से किस देश को हटाया गया है, यानी कि 2023 फीफा अंडर जो 17 विश्व कप की मेजबानी थी वो अब की बार थी पेरू के पास, लेकिन अब इन्होंने क्या है, अब क्या है, इस देश को हटा दिया गया, यानी कि अब मेजबान देश पेरू नहीं करेगा, ठीक है, इसकी मेजबानी ये पेरू देश है ये नहीं करेगा, अब इसको हटा दिया गया है इसे। देखो मुख्य देते हैं, फीफा अंडर 19 फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 के लिए पेरू के होस्टिंग अधिकारों को वापस ले लिया है, यानी कि पेरू से इसके अधिकार हैं वो वापस ले लिए, अब आगे देखते हैं ये किसके पास ये मेजबानी, कौन सा देश इसमें करेगा। फीफा अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल का एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है जिसे फीफा द्वारा 17 साल से कम आयु के खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जाता है, यानी कि 17 साल से कम आयु के खिलाड़ियों के लिए ये टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है फीफा कप, यानी कि फुटबॉल से संबंधित है, और ये अब की बार ये पेरू के पास इसकी मेजबानी थी, लेकिन अब पेरू से इसके अधिकारों को ले लिया गया, वापस ले लिया, अब पेरू इसकी मेजबानी नहीं करेगा, अब किसी दूसरे देश को इसकी मेजबानी प्रदान की जाएगी। तो देखेंगे अपने किस देश के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। अगला देखो, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023-22 में न्याय के वितरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय के वितरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, और वो राज्य है कर्नाटक, कौन सा राज्य है, सबसे टॉप पर है कर्नाटक राज्य। देखो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो न्याय के वितरण के मामले में राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है, कर्नाटक ने 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है, और तमिलनाडु ने रैंकिंग में दूसरी पोजीशन हासिल की है, यानी कि न्याय जो न्याय का क्षेत्र है जस्टिस यानी कि न्याय के क्षेत्र में मामलों के अंदर कर्नाटक तो सबसे टॉप पर है, और दूसरा स्थान किसका है, तमिलनाडु का। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है, फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है, वो बनी है सुधा शिव कुमार, कौन बनी है, सुधा शिव कुमार है, ये फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष बन चुकी है। देखो सुधा शिव कुमार को फिक्की यानी कि लेडीज ऑर्गेनाइजेशन फ्लो के 40वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे पुरानी महिला प्रधान व्यवसाय पट्टी है, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे पुरानी महिला प्रधान ये व्यवसाय है, और सुधा शिव कुमार को फिक्की यानी कि लेडीज ऑर्गेनाइजेशन महिला संगठन की उनको 40वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है, और फिक्की के अभी नए महासचिव कौन बने हैं, शैलेश पाठक है, वर्तमान में फिक्की के नए महासचिव बन चुके, कौन है, शैलेश पाठक। अगला प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति ने 14 जुलाई को होने वाली बास्टिल डे परेड के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है, किस देश के राष्ट्रपति ने आगे जो 14 जुलाई 2023 को होने वाली बास्टिल डे परेड के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया, ये किया है फ्रांस के राष्ट्रपति ने, ठीक है, किसने किया है, फ्रांस के राष्ट्रपति ने इनको आमंत्रित किया है। देखो
फ्रांसीसी राष्ट्रपति जिनका नाम है एमानुअल मैक्रो ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 14 जुलाई को होने वाली बास्टिल डे परेड के लिए फ्रांस आमंत्रित किया है और उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की, यानी कि भारत और फ्रांस के बीच में दोनों देशों के बीच में जितने भी संबंध है उनको मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की है। और ये फ्रांस के अंदर एक ध्यान रखना, ये बास्टिल डे परेड एक कार्यक्रम होता है, 14 जुलाई को इनको मनाया जाता है। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्रांस के अंदर आमंत्रित किया गया है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं? हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के नए प्रमुख कौन बने? वो बने हैं उपेंद्र प्रसाद सिंह। ऑप्शन नंबर सी, कौन बने हैं? उपेंद्र प्रसाद सिंह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के नए प्रमुख बन चुके हैं। देखो, सड़क सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की नियुक्ति कर दी गई है। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी उपेंद्र प्रसाद सिंह बोर्ड के अध्यक्ष होंगे और उड़ीसा के कैडर के आईएएस सिंह के पास परिवहन क्षेत्र का लंबा अनुभव है, यानी कि इनके पास बहुत लंबा पहले से इनका अनुभव है और ये उड़ीसा राज्य के अंदर पहले भी राज्य परिवहन राज्य मंत्री रह चुके हैं और अब इनको ध्यान रखना राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड यानी कि केंद्र के अंदर इनको उपेंद्र प्रसाद सिंह को यानी कि केंद्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्ति दी गई है। अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री ने सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ये किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। देखो, पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय रसायन विनिर्माण पोर्टल में लगातार विकास के लिए सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है कि शिपिंग यानी कि जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने राष्ट्रीय रसायन विनिर्माण पोर्टल में लगातार विकास के लिए सागर सेतु मोबाइल ऐप इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये बस इतनी डिटेल आपको याद रखनी है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल रही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, या टेलीग्राम पर आप प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि पीडीएफ फाइल आपको प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि शाम तक आपको इसकी जो हमारी डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। हमारी कोई भी सूचना है, कोई भी अगर लिंक आएगा तो आपको टेलीग्राम पर उसकी सूचना मिल जाती है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को। अब देखिए, आपके लिए पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, कौन सी टेनिस खिलाड़ी महिला पहली बार मियामी ओपन चैंपियन बनी है, जिसका नाम है पेत्रा क्विटोवा। ठीक है, क्या नाम है? पेत्रा क्विटोवा। ये टेनिस खिलाड़ी ये पहली बार महिला मियामी ओपन चैंपियन बनी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है, भारत और अमेरिका के संयुक्त युद्ध अभ्यास कोप इंडिया का आयोजन किस राज्य में करेगी? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, गोवा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे देखो क्या थी, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक सम्मान सिविल संहिता का उपबंध करता है, और वो है अनुच्छेद 44। कोयला क्षेत्र के पास स्थित लोहा इस्पात केंद्र कौन सा है, तो वो है बोकारो इस्पात संयंत्र। और दाहोद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है, तो ये है चना की। इनके भी बहुत सारे विद्यार्थी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, शानदार तरीके से जवाब देते हैं। और अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज क्या है, भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया? धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, और 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया? ये सीईटी के अंदर ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर हुआ था उसमें सीईटी के अंदर ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं ताकि आपको अच्छे से आए हुए क्वेश्चन भी याद हो सके। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार जाते जाते लाइक शेयर करते रहना, और हमारी प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर आपको पता है हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, ये विश्व का भूगोल टेस्ट सीरीज, भारत का भूगोल टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। इसमें लगभग विश्व का भूगोल आपको कंप्लीट हो चुका है, भारत का भूगोल भी एक दो टॉपिक बचे हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में अपने इसी के अंदर अपने भारत का संविधान है, उसकी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, सब आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलती जाएगी। तो ₹50 के अंदर आपको इतना कुछ मिल रहा है, तो जरूर आप ज्वाइन कीजिए। और हमारी आर एग्जाम 2023 के लिए भी इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, एक साल की वैलिडिटी है, जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक। पीडीएफ आपको फ्री मिल रही है ऐप के अंदर मात्र ₹50 के अंदर, तो जरूर ज्वाइन कीजिए हमारे ऐप को अंदर और अपनी तैयारी को जांचिए। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।